हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अंग्रेजी का पेपर 4 मार्च को अब है, ठीक है। और ये 4 मार्च को आने वाला 100% एक प्रकार का वायरल पेपर है, जो 2024 में इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। ये पेपर का सेट है डी के। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको संपूर्ण पेपर पहले दिखा देते हैं, आप संपूर्ण पहले पेपर देख लीजिए। इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण हल अदम कराने वाले हैं। यहाँ पे आप कॉपी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे पेपर का एकदम संपूर्ण हल कराएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न छूट जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इंग्लिश में जो पेपर मिलेगा आपको, तो यहाँ पे लिखा रहेगा टाइम। टाइम आपको जो रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का आपको संपूर्ण समय मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क रहेगा पेपर का 70 नंबर का, ठीक है। इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं जिसको आपको बताते हैं। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ने के लिए समय मिलेगा। ये प्रत्येक पेपर के साथ ऐसा है कि 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। अगला है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। अगला इंस्ट्रक्शन आपका है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि 2 भागों में बांटा है, पार्ट ए में बांटा गया है और पार्ट बी में बांटा गया है। अगला इंस्ट्रक्शन आपका है कि पार्ट ए में जो होगा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके होंगे जो एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। अगला इंस्ट्रक्शन आपका है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR sheet, do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको OMR sheet जो रहेगा उस पर करना है, और उस पर न इरेजर का प्रयोग, न वाइटनर का प्रयोग, न उस पर किसी प्रकार कट पिट करना रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको पूरे कापी पर लिखना रहता है। अगला इंस्ट्रक्शन है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने उसका नंबर आपको लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जो आपको जानना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। अब चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ पे आपको क्या है कि पैसेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसेज दिया है और इस पैसेज को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस पे आधारित 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इस क्वेश्चन पहले इस पैसेज को पढ़ के आपको बताते हैं, फिर देखिए आपको पैसेज में से आंसर निकालना भी सिखाएंगे आपको। बस आप वीडियो को बने रहिए। देखिए, ओल्ड पीपुल से डैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। दे लुक बैक एट दियर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट हैप्पी डेज, द जोली गेम्स, द फन डेट दे हैड एट स्कूल, द स्वीट्स एंड केक्स दे यूज्ड टू ईट, जोक्स दे यूज्ड टू प्ले एंड एंडलेस डिस्कशन They had among friends about the almost every topic. Perhaps these old folks are right and all the moment. The father was a little boy and his son was a grow-up man like his father, and the father in the shape of a little boy had to go to school, and I can tell you did not like it at all. A child's troubles may seem small to grown-ups, but they are very big to him. चलिए, इस पे आधारित, ये तो पैसेज था, इस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है और पैसेज से कैसे आप आंसर निकालेंगे आपको बताते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पैसेज से पूछा है।
अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि बेस्ट ऑफ पार्ट लाइफ मतलब है पीपुल की अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, रिमेंबरिंग द पेरेंट्स, टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, टू रिपेंट फॉर व्हाट ए हैपनिंग, या चाइल्डहुड। ये देखिए, ये आपको पैसेज में जहाँ पे वाक्य नजर आएगा उसमें जो शब्द रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, तो देखिए देखिए इस पैसेज में आप पढ़ेंगे तो वन पीपुल से डेट चाइल्डहुड, देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि पीपुल के अनुसार बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, चाइल्डहुड है। तो इसका आंसर क्या होगा, चाइल्डहुड। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो देखिए बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, तो चाइल्डहुड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपको पैसेज से ही आपको आंसर मिल गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि टू होम डज ए चाइल्ड ट्रबल सीम बिग। अब देखिए यहाँ फादर दिया है, मदर दिया है, चाइल्ड दिया है, हीज हर फ्रेंड दिया है। देखिए ये जो मिलेगा आपको चाइल्ड्स ट्रबल्स, ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। चलिए पहले पैसेज में दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जब लास्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है चाइल्ड्स ट्रबल्स, लिखा है ना चाइल्ड्स ट्रबल सीम्स। अब देखिए इस वाक्य को किसने कहा, देखिए यहाँ पे फादर है, फादर है, यानी कि इसने कहा है, तो फादर ने कहा है, इसमें फादर शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे फादर ने इस वाक्य को कहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फादर होगा। तो देखिए दूसरे प्रश्न का चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग, तो इसको किसने कहा, तो फादर ने, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, टू ए फादर, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए। तो आप पैसे से देखिए कितना आसानी से आंसर निकाल ले रहे हैं। अगला देखिए कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस, इंडलेस का अपोजिट यहाँ पे पूछा है कि इंडलेस का अपोजिट क्या होगा। देखिए इंडलेस का मतलब होता है कि जिसका, देखिए इंडलेस का जो अर्थ होता है आपका ये होता है अनंत, जिसका अंत ना हो, इंडलेस का मतलब होता है कि जिसका अंत ना हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अंत होगा, कि जिसका अंत हो जाए, अंत मतलब होता है कि निश्चित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, स्पीडी, और टायर्ड मतलब थका, जो थकता नहीं हो, यहाँ पे है फिनिट, फिनिट मतलब क्या होता है, अंत होता है या निश्चित होता है। तो इंडलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा बी वाला, अपोजिट मतलब होता है विपरीत शब्द बताना ना, विलोम शब्द, तो इंडलेस का हो जाएगा फिनिट। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 4 से 8 तक यहाँ पे आपको दिया, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम, यानी चिल्ड्रेन प्रोग्राम को अटेंड करेगा, द हेड गॉन भरा जाएगा, विल गो भरा जाएगा, या वेंट भरा जाएगा, या ऑल ए बी एंड सी सभी भरा जाएगा। तो चिल्ड्रेन हेड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, यानी चिल्ड्रेन प्रोग्राम को अटेंड करेगा, या ठीक है कर चुका है, या करेगा, या किया। तो देखिए यहाँ पे आपको हेड गॉन भी भर सकते हैं, वेंट भी भर सकते हैं, विल गो भी भर सकते हैं, वेंट, ये तीनों भरा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द थिंग डेट हैज बीन क्रिएटेड बाई सम बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि सर्च होगा, लर्निंग होगा, इन्वेंशन होगा, या प्रमोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि थिंग डेट हैज बीन क्रिएटेड बाई सम बॉडी इज कॉल्ड, यानी कुछ लोगों के द्वारा किसी वस्तु का खोज करना या किसी वस्तु को क्रिएट करना या नई वस्तु बनाना क्या कहलाता है। तो कोई व्यक्ति है, नई वस्तु जब बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इन्वेंशन कहा जाता है, यानी आविष्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्वेंशन, इन्वेंशन। अब ऑप्शन में देखिए इन्वेंशन कहाँ पे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी किसी के द्वारा कोई नई वस्तु को क्रिएट किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है, तो उसे आविष्कार कहा जाएगा, आविष्कार को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंशन। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला नंबर 6वां नंबर का जो सवाल है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द करके दे दिया है और इसे मीनिंगफुल बनाना है। जब भी इस प्रकार से आपको रीअरेंज करने के लिए मिले तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना रहता है, सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, फिर इसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना रहता है, मेन वर्ब, फिर इसके बाद आपको क्या लगाना रहता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना रहता है, आपको अदर कोई शब्द रहता है तो लास्ट में लगाते हैं। तो ये इस क्रम में आपको हमेशा
लगाना रहेगा, ठीक है। तो ये रीअरेंज इस क्रम में करेंगे तो रीअरेंज होगा। देखिए बहुत सिंपल सा ये सवाल होता है, देखिए संडे तो कभी आपका सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट के रूप में आपका ही आएगा। तो अब ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, जबकि यहाँ और यहाँ पे ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसी तरह आपका कट जाएगा। अब देखिए आपका ही के बाद तुरंत आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका मेन वर्ब। तो ही के बाद क्या आएगा आपका, ही के बाद आएगा गोज। तो देखिए ऑप्शन में ही इच दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो इसी तरह कट गया। अब यहाँ पे है कि ही गोज, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ही यहाँ पे हो जाएगा ही गोज टू चर्च ऑन इच संडे। इस प्रश्न का सही जो है बी वाला, आपको इस प्रकार से रीअरेंज करना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सातवां नंबर का, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, आपको मिस स्पेल्ड इसमें से बताना है कि मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलिट्री दिया है, टेम्पोररी दिया है, ऑर्डिनरी दिया है या सेंचुरी दिया है, ठीक है। तो मिस स्पेल्ड जिसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलिट्री, ठीक है। अगला देखिए आठवां नंबर का, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट, यानी कि इसका मतलब होता है कि टीचर ने मिस्टेक, देखिए जो टीचर है शीला के मिस्टेक को क्या किया, पॉइंट किया, तो क्या करेगा पॉइंट आउट करता है, यानी गलतियों को जो मिस्टेक रहता है उसको खोजना निकालना होता है। तो पॉइंटेड के बाद आपका आउट लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका आउट भरा जाएगा, तो पॉइंटेड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका भरा जाएगा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉइंटेड आउट भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, रीड द पैसेज गिवेन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, आपको पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ के केयरफुली पढ़ना, पढ़ने के बाद आपको इस पे आधारित 9 और 10 दो क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर देना है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि बट देम आई स्लोली सा डेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did that I is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom because the greater hunger फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। ये पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है, फिर इसके बाद आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया है आपका कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हीज ब्रदर एंड सिस्टर वियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे इसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये पकड़िएगा ये शब्द कहाँ पे दिया है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जब पढ़ेंगे कि बट देम आई स्लोली सा डेट नॉट ओनली फ्री, ठीक है, आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए यहाँ पे कि हीज ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर सिस्टर वी आर नॉट फ्री, ये नॉट फ्री लिखा है ना, यही इसका जवाब हो जाएगा। मान लीजिए इसका हिंदी आपको नहीं समझ में आ रहा, सीधे इस शब्दों को पकड़िएगा और तुरंत इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। ऑप्शन में देखिए नॉट फ्री कहाँ पे लिखा है, तो आल्सो नॉट फ्री है, तो इसका सही जो आप डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका 10वां नंबर का जो है कि मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन, ठीक है। मान लीजिए इसका हिंदी नहीं आ रहा, अब ऑप्शन देखिए आप इसका आंसर कैसे देंगे, तो पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ही फाउंड द वाज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ही फाउंड डेट ही वॉज अनसक्सेसफुली। अगला है आपका कि ही फाउंड डेट हीज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक हिम वॉज कटेल्ड। अब देखिए कटेल शब्द दे दिया, अब देखिए इसमें आप पढ़िएगा जहाँ पे आपको लिखा होगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे लिखा है, इसके पहले आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है। और देखिए कटेल कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे कटेल दिया, कटेल के बाद फ्रीडम शब्द दिया है, फिर इसके बाद इसमें देखिए कहीं फ्रीडम शब्द लिखा है तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन इस वाले जो डी वाला है तो इसमें फ्रीडम भी लिखा है, कटेल भी लिखा है, तो ये शब्द ऐसे मिलेगा तो तुरंत आप डी वाला ऑप्शन को लगा दीजिएगा, सही 100% आपका सही होगा। आप पूरा एकदम करेक्ट आंसर निकालने का तरीका भी सिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कैसे पेपर बोर्ड के एग्जाम में हल करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 11 नंबर का है कि ऑन द पोडियम
वाज फर्स्ट स्वॉर्म इज एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब देखिए ये आपके बुक का है, आप बुक पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मतलब सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट में स्वर्ण फर्स्ट में कौन सा ओपीडियम था, तो इसमें किसने कहा था, मिस्टर डी क्लर्क थे। कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर का कि द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड स्वैम, स्वान है ना, स्वान। देखिए ए सिस्टर ए ब्रदर ये फादर ए ग्रैंड फादर, तो देखिए ये भी आपका किसका है, बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मदर डक एंड फादर स्वयं था, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए 13 नंबर का, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, तो देखिए ये भी आपका बुक का ही है, तो टीचर गाइड हेल्पर या फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, कौन था साथ में, तो और गाइड था, एक गाइड था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सम से द, ये भी आपके बुक का एक पैसेज है, ठीक है। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है। जैसे देखिए सम से द वर्ल्ड विल इन इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब देखिए इसका आंसर जैसे देना है, तो देखिए कैसे आंसर देंगे, सम पीपुल से डेट द वर्ड विल इंड, अब ये पकड़िएगा शब्द वर्ड विल इंड इन, देखिए यहाँ पे लिखा है ना वर्ड विल इंड इन, अब देखिए इसके आगे शब्द क्या है, फायर, तो यहाँ पे फायर आना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन कैसे निकालेंगे, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका, फायर भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड, अब यहाँ पे होल्ड का आपको मीनिंग बताना है, कि होल्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होल्ड का मीनिंग आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सपोर्ट होगा, तो होल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, सपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 यानी 16 से 20 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देना है। देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, मतलब देखिए ये भी आपके बुक का है, और ये क्या है कि जब ट्रेन चली गई चोर स्वयं को पाया, यानी चोर कहाँ पे, जब ट्रेन चली गई तो स्वयं को जो चोर था कहाँ पे पाया था, तो आउट ऑफ स्टेशन या अवे फ्रॉम होम एट द टिकट ऑफिस ऑन द डिजर्टेड प्लेटफार्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि ऑन द डिजर्टेड प्लेटफार्म पे पाया था, इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 17 नंबर का, व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, ठीक है, जब दूसरे सुबह जब चोर जागा, यहाँ पे चोर जागा, तो ही फाउंड वह अपने आप को पाया, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टीम, अनिल हैड डिसीव्ड हिम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिल हैड मेड द टीम, ठीक है। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इसका आसानी से आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। अगला देखिए 18 नंबर का, ग्रिफिन स्वेल्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हीज बॉडी बिकास, ठीक है, रेड ट्रांसपेरेंट ब्लू, ठीक है, या फ्लेक्सिबल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर का, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, ऑप्शन है ए हेड लेग्स आईज ग्लास, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हेड होगा, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर का, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड, अब ऑप्शन दिया है टू सेव हिज लाइफ, टू सेव अदर्स लाइफ, टू प्रूव रिएक्शन, ठीक है, टू टेस्ट हिज थ्योरी। देखिए
एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, तो क्या कर रहा था, टू टेस्ट हिज थ्योरी, यानी अपनी थ्योरी को टेस्ट कर रहा था। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट बी में टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए यहाँ पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे रीडिंग करना है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है, ये आपके सामने पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ के इस पर आधारित आपसे चार क्वेश्चन पूछता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है आपका एक दो नंबर का, पहले दो नंबर का, दूसरा दो नंबर का, एक एक नंबर का, टोटल ये जो रहता है पैसेज से संबंधित 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसको पढ़ के ही इसका आंसर देना है। बहुत सिंपल सा ये पैसेज देता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसका आंसर देखिए आप कैसे सिंपल तरीका से देंगे। पहले नंबर पे आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, पैसेज पढ़ने के बाद आपको तरीका तो बता दिए पैसेज पढ़ने का, पहले पैसेज पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखिए निकालना आपको बताते हैं। हाउ मैनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है। अब जैसे इसका आंसर आपको देना है तो कैसे आंसर देंगे, तो पहले चलिए पैसेज पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपको आंसर बताते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो दियर वाज ए किंग इन ग्रीस। देखिए किंग ऑफ ग्रीस लिखा है ना, तो यहाँ पर किंग इन ग्रीस लिखा है ना, बस इस शब्द को पकड़ लीजिएगा। ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, कितने पुत्रियाँ थी, तीन लवली डॉटर्स है, बस आपका आंसर मिल गया। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर बस लिख दीजिएगा, यही आंसर होगा और इस पर दो नंबर मिलेगा। लेकिन देखिए आप कापी पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए कापी पे जो लिखना रहेगा तो इस तरह लिखिएगा, पहले नंबर जब पार्ट बी है तो पार्ट बी लिखिएगा और एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 21 का ए वाला कर रहे थे ए वाला। अब देखिए जो आंसर बताए वही लिखना है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग एगो दियर वॉज ए किंग इन ग्रीस ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, इस तरह आप इसको लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको पूरे आंसर आपको बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए आप इसका आंसर देंगे तुरंत आपको इस पे दो नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए कि हु वाज फेयरेस्ट ऑफ ऑल्स, उसमें सबसे ज़्यादा फेयरेस्ट कौन थी, तो देखिए अब फेयरेस्ट ऑफ ऑल देखना है, तो अब देखिए जब इसको आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे, फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, देन द फर्स्ट बट, देखिए यहाँ बट है ना, द थर्ड वाज फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ से आंसर आपको मिल गया फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो देखिए फेयरेस्ट ऑफ ऑल पूछा है तो कौन फेयरेस्ट था, तो बट यहाँ से लिखिएगा थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप, इसके साथ में आप इस लाइन को भी आगे बढ़ा लीजिए कि इसलिए कि तीसरी जो लड़की थी सबसे फेयरेस्ट थी, साथ में उस देखिए इन द वर्ल्ड और हर नेम वाज साइकी थी, इसका नाम भी आपको साथ में लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो इस तरह लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का बी लिखेंगे और लिखेंगे आंसर, देखिए साइकी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो साइकी थी सभी में क्या थी, सबसे फेयरेस्ट थी, इस तरह आप आंसर लिखेंगे या जितना आपको बताए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा, आपको पूरे दो नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे बता रहे हैं इस तरह आप लिखिएगा। अगला देखिए सी वाला, देखिए प्रिय छात्र यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, What did Psyche pray to the goddess of Greece? अब देखिए इसका आंसर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो अब इस शब्द को पकड़िएगा goddess of Greece, तो इसके आगे देखिए पढ़े Venus, Venus the great goddess of Greece, ये मिला आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेके ठीक है यहाँ से वाक्य को पकड़िएगा और लिखते चले जाइएगा, आप कम से कम दो तीन लाइन यहाँ तक पूरा ही जितने लाइन आपको बता रहे हैं आप यहाँ तक पूरा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जब यहाँ लिखेंगे इसमें आंसर इसका आपका पूरा आंसर आपको मिल हो जाएगा और पूरे इस पर दो नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप इसका आंसर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सी और जो लाइन बताएं वही लाइन आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, साइकी प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, कीप मी एज योर सर्वेंट, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे, तो आपको जितना बताएं उतना ही लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला आपका है कि विच वर्ड इन द पैसेज मेनी अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है भद्दा। ठीक है, अनअट्रैक्टिव जो दूसरे को आकर्षित न कर सके, यानी भद्दा होता है। इसका मीनिंग पैसेज में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगली, अगली का मतलब क्या होता है, भद्दा या बदसूरत, इसका हो जाएगा
अगली। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसका, मीनिंग क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा, बस यहाँ पे अगली लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका पूरे जिस तरीका से बताया ऐसे करके आते हैं तो इस पर एक नंबर भी नहीं कटेगा, सात का सात नंबर पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए राइटिंग लिखना रहेगा, 22 का है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 10,000 टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये टोटल चार नंबर का आपका लेटर लिखने के लिए आता है या आर करके दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड। यानी कि लाइब्रेरी पर आप क्या लिख सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये टोटल चार नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है तो चलिए आपको एप्लीकेशन लिख के बताते हैं कि एप्लीकेशन आप किस तरह लिखेंगे लाइब्रेरी पे, ठीक है। देखिए आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले नंबर तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 और ओ आर वाला कर रहे हैं तो ओ आर लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा पहले एप्लीकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन लिखने का जो सही तरीका है अदम ये तरीका जो बताए इसी तरीका से लिख के आइएगा एप्लीकेशन। पहले नंबर पे यहाँ पर टू लिखा जाता है, फिर इसके बाद कामा कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा द प्रिंसिपल GCIC इंटर कॉलेज आगरा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी आप कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम या कोई भी कॉलेज का नाम और कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट मतलब जिस भी आपको एप्लीकेशन पूछा रहेगा, यहाँ पे लाइब्रेरी पे पूछा है तो लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी। अब लाइन छोड़ के यहाँ से जहाँ से टू यहाँ पे समाप्त मतलब टू के सीधे इसके नीचे से लिखिएगा सर और कामा करके लिखिएगा कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, ठीक है, डियर इस लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप करके कर दीजिएगा, जैसे ही फुल स्टॉप होगा तो जहाँ से मोस्ट स्टार्ट करेंगे इसके नीचे से लिखिएगा यहाँ से कि डियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू प्रूफ द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सीजन, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप करके अब यहाँ से लिखिएगा योर्स ओबीडियंटली यक्स वाई जेड। देखिए आपको नाम नहीं लिखना रहता है इसलिए लिख सकते हैं यक्स वाई जेड और क्लास एक्स लिख दीजिएगा और यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, तो जिस डेट को रहेगा जैसे 4 मार्च को आप पेपर दें तो लिख दीजिए 4/2, ठीक है, 2024, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपका होता है एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका, जैसे बताएं इस तरह आप इस एप्लीकेशन को याद कर लीजिए और इसी एप्लीकेशन को इस तरह आप लिख के चले आइएगा, ठीक है। तो आपको लेटर और एप्लीकेशन में से दो में से कोई एक करना था, एक आपको कराए हैं। अब देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है 23 नंबर का कि राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बस मार्केट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखना है, यह टोटल 6 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, इस यहाँ पे हिंट्स दिया रहता है, यही आपको हेडिंग बनाना रहेगा, इट्स नेम एंड डेकोरेशन गुड्स कस्टमर्स ट्रैफिक इट्स इम्पैक्ट योर सजेशन, ये आप हेडिंग बना के इस पर लिख सकते हैं। देखिए इसके अलावा ओ आर दिया है, राइट एन आर्टिकल्स ऑन ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना रहेगा कि हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस को बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है, सेलिब्रेशन और योर इम्प्रेशन आपका इम्प्रेशन कैसा है, ये सब आपको बताना रहेगा। देखिए आपका आगे 24 नंबर का ग्रामर से संबंधित प्रश्न रहता है, देखिए यहाँ पे 24 नंबर का ए है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चेंजिंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टोटल 2 नंबर मिलेगा। देखिए आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताते हैं कैसे करना है, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा योर ड्यूटी इज नॉट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। देखिए इसका इनडायरेक्ट करना रहेगा तो पहले नंबर पे जब कामा इन्वर्टेड कामा रहता था यहाँ पे सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलना पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा आप, देखिए इस प्रकार से आप इसका चेंज करेंगे कि टू टीचर टोल्ड मी और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे डेट लगेगा, माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, देखिए ये योर को आप मी के अनुसार माई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इस जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, और यहाँ पे योर किसके
अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है मी के अनुसार चेंज होगा, ये भी माई में, बस इतना ही चेंज होगा। यहाँ पे माई हो जाएगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा और यहाँ पे माई हो जाएगा। तो जैसे बताएं इसी तरह आप यहाँ पे आपको देखिए लिख के बताएं कि द टीचर टोल्ड मी डैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। इस प्रकार से आप इसका आंसर जैसे लिखें इस तरह आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बी वाला, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा, ये भी आपका दो नंबर का रहेगा। देखिए कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसका देखिए पहले ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो यानी कि द लायन है तो द लायन हो जाएगा, द लायन। फिर इसका बाद क्या हो जाएगा, वाज लगेगा। फिर ये शॉर्ट देखिए थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर शॉर्ट ही रहेगा, ये शॉर्ट। फिर बाय लगा के इसके बाद किंग कर दे, द किंग कर दीजिएगा, द किंग। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी, और यहाँ पे लिखिएगा पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए द लायन वॉज शॉट बाय द किंग, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसके बाद सी है कि पंक्चुएटेड द फॉलोइंग, ये भी दो नंबर का आपका रहेगा। कि राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टील अवे फ्रॉम द ड्यूटी, इसको आप पंक्चुएशन प्रयोग करना है। तो पंक्चुएशन जब प्रयोग किया जाता है तो देखिए पहले आप यहाँ पे स्मॉल आर जो है इसको कैपिटल आर बनाइएगा, इसलिए कि जन नाम का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। यहाँ पे हो जाएगा राकेश, क्या हो जाएगा आपका राकेश। सेड टू है तो सेड टू रहेगा, इसी तरह सेड टू रहेगा। श्याम है तो इसका पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा, इस तरह लिखिएगा श्याम, कामा करके इन्वर्टेड कामा लगाइएगा। अब यहाँ पे आर है तो आर जब कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे तो पहला लेटर कैपिटल में होगा तो आर हो जाएगा। यहाँ पे वी है तो वी रहेगा, स्टील है तो स्टील रहेगा, ठीक है। पंक्चुएशन का मतलब होता है कहाँ पे कामा लगेगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर, इस सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। और सीधे सीधे जैसे रहता उसी तरह लिखना रहता है, फ्रॉम द सिटी है तो द सिटी लिखिएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर बनाएगा, इसलिए कि जब आपका ये सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना के और यहाँ पे डबल कामा लगा दीजिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह लिखेंगे तो बस आपको लिखने पे आपको दो नंबर मिलेगा। तो देखिए आपको इस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप एक क्वेश्चन नंबर 24 का सी लिखिएगा। यहाँ पे पंक्चुएशन देखिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर राकेश सेट टू, यहाँ पे कैपिटल लेटर हो जाएगा श्याम कामा इन्वर्टेड कामा आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद करके इस तरह आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने डी नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके चार नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। ट्रांसलेट टू फॉलो इनटू इंग्लिश, यानी यहाँ पे हिंदी में दिया रहता है, इसका इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, गाड़ी प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी सही समय से चल दी, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, देखिए पहले नंबर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी, और यहाँ पे आंसर में लिखिएगा ट्रांसलेट टू इनटू इंग्लिश। देखिए मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, तो यहाँ तक आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे कि आई वॉन्टेड टू गो लखनऊ, ठीक है, विथ माई पेरेंट्स ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे को जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे कि गाड़ी प्लेटफार्म नंबर वन पर खड़ी थी, इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ऑन प्लेटफार्म नंबर वन, ठीक है। यहाँ पे लगा द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफार्म नंबर वन, यहाँ से दूसरे वाक्य का बन जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि गाड़ी में भीड़ नहीं थी इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, तो इसका बनाइएगा आप लोग कि There was no crowd in train. फिर इसके बाद आप लिखिएगा So we sat easily. That अब इसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया, गाड़ी सही समय से चल दी। अब इसका बनाना अगर कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे The train had departed on right time. तो इस तरह आपको पूरा इसका इंग्लिश में आपको बनाना पड़ेगा, जैसे बताएं इस तरह आप इंग्लिश में बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला है कि लिटरेचर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 25 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। देखिए ये सब जो है आपके बुक का अब क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन प्रत्येक तीन तीन नंबर का, टोटल ये छः नंबर का है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर फैमिली ऑफ लेंचू, तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे।
यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए, लिखेंगे द गार्ड वाज सिंगल होप फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली, यानी कि लेंचो के लिए जो एकमात्र जो सिंगल आशा थे वो कौन थे, ईश्वर थे। तो यही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना था, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा, तो दूसरे वाला का छोड़ दीजिएगा। अगला देखिए बी वाला, कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्स बाई द लॉज ऑफ मीन आर गॉड। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप सभी को बताते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर आप लिखिएगा, देखिए कि मंडेला स्ट्रगल्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, ना मंडेला बहुत काफ़ी समय तक स्वतंत्रता के लंबे समय तक स्ट्रगल कठिन परिश्रम किया था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ही बिकेम ए बोल्ड क्रिमिनल हु हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी जेलों में उन्होंने कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक बिताया, टू वर्क फॉर हिज कंट्री, ठीक है, अपने कंट्री के वर्क के लिए, मतलब अपने कंट्री को आज़ाद कराने के लिए कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक जेलों में उसने बिताया था। ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल द ब्लैक अफ्रीकन पीपुल बिकेम, ठीक है, फ्री एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज गेट अप साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। आप यदि बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना था, आप इसका आंसर दे दिए तो आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 26, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, ये 4 नंबर का रहेगा इन दोनों प्रश्नों में से। देखिए जब वन शब्द लिखा रहेगा तो 2 प्रश्न पर रहेगा, तो उन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना रहेगा आपको। यहाँ पे आपका क्या है, पहला है कि हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड, ठीक है, दूसरा है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। देखिए आपको बताते हैं बी वाला ऑप्शन के, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, तो इसका आंसर आप सभी को आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का बी, और यहाँ पर लिखेंगे कि लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि लेंचो जो था एक गरीब कठिन परिश्रमी एक किसान था, ठीक है। द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली लेंचो एंड हिज फैमिली मेम्बर्स बिकॉज वेरी सैड ही थॉट दैट ईयर दे डिड नॉट हैव एनी क्रॉप सो दे हैड टू स्ट्रेव बट लेंचो हैड ग्रेट faith in God. He thought that God did not let them hungry and it was only God who could help them. ठीक है, so he wrote a letter to God. He requested God to send him 100 rupees, ठीक है, pesos, मतलब पैसा, ठीक है। This amount was enough to saw his field again and feed his family, ठीक है। तो इस प्रकार लेंचो के बारे में आपको लिखना रहता है कि लेंचो बहुत गरीब फार्मर था, वो बहुत कठिन परिश्रमी करता था, उसके परिवार के लोग भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, वो बहुत अपने जीवन से दुखी था, उन्होंने अपने कठिन परिश्रम को देखते हुए उन्होंने ईश्वर के प्रति क्या किया कि एक पत्र लिखा जिसे वहाँ से 100 रुपये को पैसा मंगाने का प्रयास किया। इस तरह आपको क्या करना है कि अपने शब्दों में इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला है 27 नंबर का क्वेश्चन, देखिए कि वाट डज द गर्ल इयर्न फॉर, वाट डज दिस पियोम टेल यू अबाउट अमांडा, ठीक है। या इसके अलावा आर में दिया है कि राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिव इन द क्वेश्चन पोएम। देखिए आपको 4 लाइन का क्या करना पड़ेगा, पोएम लिखना है। देखिए आप यहाँ पे अमांडा के बारे में लिखिए, या यहाँ से 4 लाइन का आपको पोएम याद है तो आप पोएम लिख सकते हैं, ये टोटल 3 नंबर का होगा। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पोएम ही लिखिएगा, पोएम आसान रहता, आपको पोएम याद रहेगा। देखिए कौन सा पोएम लिखेंगे, तो आप जो भी पोएम आपको याद हो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पोएम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 OR लिखिएगा, और आंसर लिखिएगा पोएम। अब यहाँ पर लिखिएगा, देखिए द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक
ट्री। तो इस प्रकार से आप पोएम को याद करके चार लाइन इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, जो भी पोएम याद हो आप उस पोएम को लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल सा पोएम था तो ये आपको बता दिए। देखिए 28 मतलब 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में लिखना है। ये 3 नंबर का रहेगा, ये आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। डस्ट आप सुनो, ए टाइगर इन जू, ए ट्रीज, इन तीनों में से किस जिस पे आपको सेंट्रल आइडिया याद हो उस पे सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। चलिए आपको डस्ट आप सुनो जो है इस पे सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है आपको बता देते हैं। देखिए पहले नंबर पर लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पे लिखिएगा सेंट्रल आइडिया, हेडिंग बनाइएगा, यहाँ पे लिखिए डस्ट आप सुनो। अब देखिए आपको कैसे लिखना है, तो लिखना है कि द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, द पोएट appreciated the beauty of the, लिखिएगा इसके बाद snowflakes which changed his mood and saved many precious moment from being wasted away, the cross shakes of the snow dust from the hemlock tree, the same way one can shake ऑफ द सैंडनेस फ्राम वंस हॉट। इन सभी को लिख के आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीका से कम लाइनों में संक्षिप्त में आपको सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। ये सेंट्रल आइडिया सेम टू सेम जाके इसी तरह आप उतार दीजिएगा, ठीक है। यही सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए, आपको सेंट्रल आइडिया हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। अब देखिए आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 वर्ड, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। पहला है कि वाई वाज मिस्टर पम्फ्रीज रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि इसमें भी दो प्रश्न पूछता है, दो में से एक का ही आंसर देना रहता है। अगला है कि हाउ डिड लोएसेल लुक व्हेन द टूक पार्ट इन द बाल। अब देखिए इसमें से दोनों में से देना है तो आपको चलिए पहले का जवाब बता देते हैं कैसे लिखेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ए, एंसर के मिस्टर पम्फ्रीज यूज टू कॉल मोर देन 12 टाइम ए डे टू इंक्वायरी अबाउट ट्रिकी। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला 30 वर्ड में लिखना है, अब तीसरा प्रश्न है आपका, 30 नंबर का प्रश्न है, एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपको 60 वर्ड में लिखना है, टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे भी दो प्रश्न पूछा है, दो प्रश्न में से एक प्रश्न का ही आंसर आपको देना है। Why did the thief make friend with Anil? Was Griffin a lawless person? What is your opinion about him? इन दोनों में से किसी एक का देना है। चलिए आपको ए वाला का जवाब बताते हैं, Why did the thief make friend with Anil? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ए जो है, आंसर है कि thief देखिए लिखेंगे thief became friend of Anil because he thought that if he become close to him Anil would say him everything even he would say about the place where he keeps money, he stole Anil's money but came back because he felt sad that he trusted him, he was teaching him how to write, how to cook etc, he would be sad by thinking that thief broke his trust so he came back and keep, ठीक है, and kept Anil's money, ठीक है। तो अनिल के और चोर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उसी को क्या करना है अपने शब्दों में लिखना रहता है। टोटल 60 वर्ड में लिखेंगे तो आपको टोटल इस प्रश्न पे 4 नंबर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जितने भी पेपर एक प्रकार का जो वायरल था, इस पेपर का आपको संपूर्ण हल करा है। इन संपूर्ण पेपर में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, आप सभी क्वेश्चन को आप जरूर हल करके याद करके जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल करके चले आएंगे। तो फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार के अंग्रेजी के जितने भी वायरल पेपर हैं उन सभी वायरल पेपरों को आपको कराएंगे, आप सभी उन वायरल पेपर को जरूर संपूर्ण हल देखा कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।